अधिक उनसे खबर सामने आ रही है कि आज वहां पर एक रोड एक्सीडेंट पेश आया जिसमें एक ट्रैफिक कॉप की मौत हो गई है। किस कारण से ये सड़क हादसा पेश आया, तमाम जानकारी आप तक पहुंच जाएंगे। पहले आप तस्वीरें देखिए जो हमारे सामने बताया जा रहा है कि एक ट्रक ने ट्रैफिक कॉप को हिट किया जिसके बाद उसकी मौत हो गई। हालांकि उसे अस्पताल पहुंचाया गया पर जख्मों के ताव ना सहते हुए उसने दम तोड़ दिया। तो काजीकुंड इलाके में आज सुबह एक सड़क हादसा पेश आया जिसमें एक ट्रैफिक कॉप की मौत हो गई है। क्या कुछ फिलहाल जानकारी सामने आ रही है, रुक करते हैं हमारे संवाददाता हामिद हमारे साथ इस वक्त लाइव ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे तमाम जानकारी लेंगे कि क्या कुछ कारण बताया जा रहा है। हामिद बताइएगा इस सड़क हादसे का क्या कारण बताया जा रहा है, कितने बजे ये सड़क हादसा पेश आया? जी प्रियंका, मैं आपको बताता चलूं, ये अनंतनाग से काजीगुंड की तरफ रुक जा रही थी, एक ट्रक जा रही थी जिसको रोकने की कोशिश की एक पुलिस को अपने, और जब वो नहीं रुकी तो उन आगे बढ़ती गई और उसको अपने लपेट में ले लिया, तो उसको घसीटते हुए कई कई फुट तक लेके गए और उसकी डेथ वहीं पे मौत वाका हो गई। और बाद में वहाँ पे पुलिस और बाकी लोगों की मदद से उसको अस्पताल पहुँचाया गया जहाँ पे वो जख्मी की ताब न लाकर चल बसा। ये कांस्टेबल ने इसका नाम अब्दुल मजीद तांत्रे बताया जाता है, जो कि बारामूला का रहने वाला है और ये काजीकुंड में ट्रैफिक में तैनात था। तो जो ही इसकी लाश अस्पताल में पहुंचाई गई तो उसके बाद ही पुलिस भी आ गई वहां पे और एक केस भी दर्ज किया गया काजीकुंड थाने में। जी प्रियंका, बिल्कुल, जिस तरह से जो जिस ट्रैफिक कॉप की जो मौत वाकया हुई है इस एक्सीडेंट में, उनकी पहचान अब्दुल माजिद तांत्रे सन ऑफ अली मोहम्मद तांत्रे जो कि बारामुल्ला चुमुल्ला बाईपास के रहने वाले हैं, उनकी इसमें मौत वाकया हुई है। बताइएगा जिस तरह से बताया जा रहा है एक ट्रक ने उनको हिट किया, किस तरह से ये पूरा इंसिडेंट पेश आया, क्या वो बहुत तेजी से आ रहा था, कैसे ये रोड एक्सीडेंट हुआ? हाँ, ये सुबह के 6 बजे थे, थोड़ी सी धुंध भी होती है तो ये ट्रैक भी काफ़ी तेज़ी से काजीगुंड की तरफ जा रहा था, इसको रुकने का इशारा भी किया गया मगर ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ये रुका नहीं और उस जो कांस्टेबल वहाँ पे खड़ा था, ये ट्रैफिक का कॉप जो वहाँ पे खड़ा था, उसको घसीटते हुए लेके गया और उसकी जो है वहाँ पे वो जख्मी बहुत जख्मी हो गया और उसके बाद उसकी मौत वाका हुई। बताया जाता है कि 6 बजे का जो समय है उस टाइम तो थोड़ी बहुत धुंध भी होती है तो उसको शायद दिखाई ना दिया हो ड्राइवर को, क्या क्या मालूम क्या परेशानी हुई होगी, तो उसने ट्रक को आगे ही बढ़ाया, रुका नहीं क्योंकि यहाँ पे कम्प्लीटली आजकल रिस्ट्रिक्शन चल रहे हैं, शायद उसको इसकी तलाशी नहीं हो या कागज चेक करने हो या अभी तो ये इसके लिए भी रोकते हैं कि इनका कोविड टेस्ट भी हो जाए, कहाँ जा रहे हैं वो नाम पता, इनका वो कोविड का टेस्ट भी करवाना है और जो वैक्सीन इंजेक्शन है वो भी लगवाने के लिए ड्राइवर को बताया जाता है कि हो सकता है इसी के लिए उसने उसे रोक दिया हो, मगर ट्रक नहीं रुकी, ट्रक आगे ही बढ़ती गई और इस कांस्टेबल को अपने साथ घसीटते हुए ले गई और जो जब वो अस्पताल पहुंचाया गया तो वहां पे उसकी डेथ हो गई। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से ये भी अपडेट सामने आ रहा है इस खबर के हवाले से कि ट्रक ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया गया, ऑन स्पॉट अरेस्ट कर लिया गया, केस दर्ज हो चुका है, तो ट्रक ड्राइवर है उससे पूछताछ के दौरान उसने क्या कुछ कहा? नहीं, ट्रक ड्राइवर से अभी तो पूछताछ हो रही है, ट्रक ड्राइवर वहां पे अरेस्ट हो गया, वहां मौके पे ही उसको भी अरेस्ट किया गया क्योंकि उसको भी अफसोस हो गया कि मेरे से ये एक्सीडेंट हो गया, शायद उसको पछतावा भी है कि मैंने गलती की है, इसलिए वो वहां पे आगे थोड़ा सा रुका और पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है, उससे पूछताछ जारी है और पुलिस ने इस जमन में एक इन्वेस्टिगेशन टीम भी बिठाई है क्योंकि ऐसा इससे पहले भी एक बार वो एक SI को वहां पे कुचल दिया गया, ट्रक वाले ने कुचला था और उसकी भी मौके पर ही वहां पे डेथ हो गई। और ये ट्रक वाले ऐसा क्यों करते हैं, इसके लिए एक टीम बनाई गई है क्यों ये पता चले कि ऐसा क्यों हो रहा है, अगर रुकने का इशारा टीम मिल रहा है उनको क्यों नहीं रुकते हैं, ऐसा क्या क्या वजह है कि दो बार तो दो कॉप्स को वहाँ पे उनकी इसमें डेथ हो गई है, दोनों को ट्रक वालों ने अपने घसीटा था, वो ट्रक वाला जो पहले वो SI का वो एक्सीडेंट हुआ था उसको बाद में अरेस्ट किया गया क्योंकि पता ही नहीं चला था कि कौन ट्रक वाला है, बाद में CCTV की मदद से और लोगों मुकामी लोगों की मदद से उस ट्रक ड्राइवर को अरेस्ट किया गया, मगर ये ट्रक ड्राइवर ज्यादा दूर नहीं चला गया था क्योंकि उसको पछतावा हुआ कि मैंने ये
जुर्म किया है, इसके लिए उसको पछतावा था, तो वो सीधा ही उसने उसको पुलिस ने वहां वहीं पे अरेस्ट किया और बॉडी को अस्पताल ले गए और बाकी फॉर्मेलिटीज के बाद उसको बॉडी को अब बारामूला की तरफ रवाना किया गया। ये एक्सीडेंट ये चकमुला क्रॉसिंग पे हुआ है, बाईपास जो है काजीगुंड का बाईपास नया ही बना है, काजीगुंड बाईपास ये चमला क्रॉसिंग है, वहीं पे ये एक्सीडेंट में पेश आया है। सुबह सवेरे 6 बजे की ये बात है, 6 बजे सुबह सवेरे 6 बजे ये वाका पेश आया जी। बिल्कुल, बाईपास काजीकुंड में ये रोड एक्सीडेंट पेश आया है और ये भी बात सामने आ रही है कि ट्रैफिक मूवमेंट है उसे पहले हॉल्ट किया गया था, फिर उसे टेम्पररी रिस्टोर किया गया था। जब ये सड़क हादसा पेश आया, क्या उस वक्त ट्रैफिक मूवमेंट रिस्टोर थी? हाँ, ट्रैफिक मूवमेंट तो रेस्टोर थी, ऑलरेडी रेस्टोर थी। ये ट्रक वाले चाहते हैं कि हमारा नंबर आगे आ जाए, क्योंकि टनल पे उन्हें तभी छोड़ते हैं जब वहाँ पे कोविड टेस्ट हो। आज कंप्लीटली वहाँ पे कोविड टेस्ट होता है। ये ट्रक वाले चाहते हैं कि हमें हमें आगे नंबर मिले, क्योंकि इस रास्ते में जुम्मू का जो रास्ता है कभी कभी बंद भी पड़ जाता है, इसलिए ट्रक वाला चाहता है कि मैं जल्दी जल्दी अपने मुकाम तक पहुँच जाऊँ। इसीलिए ये जल्दी करते हैं कि आगे मैं सबसे बढ़त ले लूँ, आगे चला जाऊँ। ट्रैफिक उस वक्त स्मूथ चल रहा था जब इंसिडेंट हुआ, तो उसके बाद ही ट्रैफिक को मुअत्तल किया गया, रोक दिया गया है जब तक इसकी लाश को अस्पताल तक पहुंचाया गया और वहां पे पूरी तरह से उसको जगह को साफ किया गया, उसके बाद ही ट्रैफिक को जाने की इजाजत दी गई जी। अभी भी इस वक्त भी ट्रैफिक आखिर लगा में हुआ है। जी, आखिर में ये बताइएगा कि ऑन स्पॉट ही ट्रैफिक कॉप की मौत हो गई थी या फिर अस्पताल पहुंचने तक थोड़ी उम्मीद थी बचने की? नहीं, ऐसा कि आईनी शाहिदीन के मुताबिक उसकी मौत जो है वो मौके पर ही हुई थी, बाद में फॉर्मेलिटीज के लिए उसको अस्पताल ले जाया गया। शायद हो सकता है कि ये बच जाए, क्योंकि आम लोगों को ये पता नहीं होता है कि मरा हुआ है या जिंदा है, तो आम लोगों ने ऐसा ही किया कि जो भी वहाँ पे सिविल थे उन्होंने उसको अस्पताल पहुँचा दिया, क्योंकि वो भी इंसान है, वो भी इंसानियत के नाते उन्होंने उसको हॉस्पिटल पहुँचाया, वहाँ जहाँ पे उन्होंने उसको डॉक्टरों ने डेथ करार दिया कि उसकी मौत यहाँ अस्पताल पहुँचने से पहले ही हो चुकी है जी। शुक्रिया हमें तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हमें तमाम से ज्वाइन किए हुए थे और आपको हम तमाम जानकारी दे रहे थे कि साउथ कश्मीर के काजीकुंड के बाईपास चुमोला के पास जो है ये रोड एक्सीडेंट पेश आया और इस रोड एक्सीडेंट में एक ट्रैफिक कॉप की मौत वाकया हुई है। बताया जा रहा है सुबह करीबन 6 बजे एक ट्रक आ रहा था वहां से, जिसमें ये भी बताया जा रहा है कि स्पीड काफी तेज थी और इस ट्रैफिक कॉप को हिट किया, जिसके बाद ऑन स्पॉट इस ट्रैफिक कॉप की मौत वाकया हुई है। चाहे हैवी मोटर व्हीकल हो, लाइट मोटर व्हीकल हो, टू व्हीलर हो या कोई भी गाड़ी हो, आप उसे बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में चलाएं ताकि आपकी जो गाड़ी है वो कंट्रोल में रहे, नियंत्रण में रहे, आपकी जान को भी खतरा ना हो, आपको भी कुछ ना हो और दूसरे की जान की हिफाजत करना भी आपकी जिम्मेदारी है। जब भी आप ड्राइव करें, इसी मैसेज के साथ ड्राइव सेफ लूंगी इजाजत, देखते रहे जीके न्यूज़ पॉइंट।